हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया आपके लिए वर्कशीट नंबर 63 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है और आज की डेट रहेगी 16 सितंबर 2020। बच्चों, आज की वर्कशीट बड़ी ही खास रहने वाली है क्योंकि ये वर्कशीट में आपको देख रहे होंगे बच्चों, एक मेन्यू कार्ड दिया गया है और ये मेन्यू कार्ड किस चीज़ का है बच्चों, पहचानो। यस, ये मेन्यू कार्ड बच्चों किसका है? रेस्टोरेंट का है। ठीक है, आप सभी बच्चे रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पर आप मेन्यू कार्ड देख करके अपने कोई भी डिशेस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये मेन्यू कार्ड दिया है, इसमें हमें देख लेते हैं बच्चों क्या क्या मेन्यू कार्ड में दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, आइसक्रीम विद सोडा, संडे मिल्क शेक, बेवरेजेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक, ये हमें चार चीज़ इसमें दी गई हैं। तो देखते हैं बच्चों और क्या क्या दिया है। हाँ, यही चार चीज़ हमें दी गई है। तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसक्रीम विद सोडा, इसके प्राइजेस देख लेते हैं भाई। वनीला के आपको दिया 100 रुपीज़, चॉकलेट के आपको 100 रुपीज़ दिया है, स्ट्रॉबेरी के आपको 100 रुपीज़ दिया है और लाइम आइस के आपको 100 रुपीज़ दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संडे मिल्क एंड शेक्स, तो इसमें दिया है भाई सिंगल संडे हॉट चॉकलेट फ्यूज, इसमें 85 रुपीज़ का है। ट्रिपल संडे हॉट चॉकलेट फ्यूज, ये 165 का दिया है आपको। मिल्क शेक वनीला स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट, ये आपको 100 रुपीज़ का दिया है। ठीक है, चॉकलेट मिल्क शेक विद आइसक्रीम, ये आपको 100 रुपीज़ का दिया है। और वनीला स्ट्रॉबेरी, ये आपको 115 का दिया है। चॉकलेट आपको 115 का दिया है। ठीक है, अब बीवरेजेस में देख लेते हैं बच्चों क्या दिया है हमें। बीवरेजेस में आपको दिया है हॉट टी, ये 40 रुपीज़ का है। हॉट कॉफ़ी आपको दिया है 70 रुपीज़ का और कोल्ड कॉफ़ी आपको 85 रुपीज़ का दिया है। कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम आपको 115 का दिया है और छाछ आपको दिया है 50 रुपीज़ का। ठीक है, और आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया है। केसर पिस्ता बादाम मिल्क, ये आपको 75 रुपीज़ का दिया है। ठीक है, लस्सी आपको इसके नीचे 80 रुपीज़ का दिया है और फ्रेश लाइम सोडा आपको 55 रुपीज़ का दिया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया है। इसी के नीचे आपको दिया गया है, हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक में दिया है बच्चों। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे इसमें क्या है, पेप्सी है और डाइट पेप्सी है और मिरिंडा है, सेवन अप है, ये MRP पे दिया है। मिनरल वाटर 1 लीटर, ये MRP पे दिया है। ठीक है, और इसके नीचे लिखा है नॉट अवेलेबल इन होम डिलीवरी एंड टेक अवे। ठीक है, ये हमें दिया है कि भाई यहाँ पे होम डिलीवरी नहीं है। ठीक, और आगे क्या दिया है इसी के नीचे, होम डिलीवरी अवेलेबल एट सेलेक्टेड आउटलेट ओनली, कि भाई यहाँ पे कुछ ही जगह पर ये होम डिलीवरी अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। हाँ, स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ से। राजन गोज टू रेस्टोरेंट टू ऑर्डर ड्रिंक्स फॉर हिमसेल्फ, राजन एक रेस्टोरेंट गया और उसने अपने लिए एक ड्रिंक को ऑर्डर किया। ठीक है, ही हैज़ ओनली 50 रुपीज़, और उसके पास कितने रुपीज़ थे बच्चों, 50 रुपीज़ थे। ठीक, आगे देखते हैं, हेल्प हिम इन चूजिंग बीवरेजेस, तो बीवरेजेस को इसमें चूज करना है कि भाई इसके पास 50 रुपीज़ है तो कौन से बीवरेज ये ले सकता है। तो बच्चों देखो, हॉट बीवरेजेस ये है और इसमें बीवरेजेस में देखते हैं बच्चों कौन सा 50 रुपीज़ के अंडर में आ सकता है। सबसे पहला दिया है हॉट टी, हॉट टी है बच्चों 40 रुपीज़ का, तो ये इसके अंदर आ सकता है। और देखें बच्चों छाछ, ये छाछ है, ये भी 50 रुपीज़ का, तो ये आ सकता है इसके अंदर। दो आइटम हो गए, हॉट टी एंड छाछ, तो ये दो आइटम इसमें 50 रुपीज़ में आ सकते हैं बेवरेजेस में। ठीक, जो कि इसको चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। हाँ, लुक एट मेन्यू कार्ड ऑफ द रेस्टोरेंट, कि भाई रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड देखें और उसमें से पता लगाएं कि भाई 50 रुपये में हम क्या आइटम ले सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द मेन्यू कार्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आपको नीचे दिए गए हैं बच्चों, इसके आंसर आपको देने हैं मेन्यू कार्ड पढ़ करके। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों, क्या दिया है, विच इज अ बीवरेज, कि भाई कौन सा इसमें से बीवरेज है। तो देख लेते हैं बच्चों कौन सा बीवरेज है। बीवरेज हम देख लेते हैं, आपको सामने ये है बीवरेज। ठीक है, तो बीवरेज में आपको दिया है हॉट टी, कोल्ड हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, छाछ, लस्सी और फ्रेश लाइम सोडा।
तो ये आपको बेवरेजेस में दिया है। आप देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। हाँ ऑप्शन ऑप्शन में आपको दिया है बच्चों, तो क्या है ऑप्शन में, पिज्ज़ा तो नहीं होगा, आइसक्रीम नहीं होगा और चॉकलेट नहीं होगा, तो ऑप्शन में आपको टी लगाना है। ठीक है, तो टी है ना या हॉट टी है, तो हॉट टी बेवरेज में आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। आज सेकंड क्वेश्चन है बच्चों क्या है, इफ ही हैज ओनली 50 रुपीज देन विच बेवरेज कैन ही ऑर्डर। तो अभी हमने देखा बच्चों कि भाई 50 रुपीज में क्या ले सकता है, ये देखो बच्चों 50 रुपीज में क्या ले सकता है कि भाई बेवरेज में हॉट टी ले सकता है और छाछ ले सकता है। ठीक, दो चीज ले सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, हॉट टी, हॉट टी और दूसरा क्या है, छाछ। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख का आंसर देख लेते हैं बच्चों क्या है। हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी। तो बच्चों देखते हैं फुल फॉर्म क्या है एमआरपी का। तो एमआरपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों मैक्सिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको लिखना है आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, कैन ए सेलर सेल थिंग्स अबाउट एमआरपी, यस और नो। कि बच्चों अब सेलर जो बेचने वाला जो सेलर हो दुकानदार, वो एमआरपी से ऊपर बेच सकता है किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को। तो इसका आंसर होगा बच्चों नहीं, नो। तो इसका आंसर हम नो लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या है। इफ यू हैड टू ऑर्डर अ बीवरेज, वॉट वुड यू हैव ऑर्डर। कि भाई अगर आपको बीवरेज का ऑर्डर देना है तो आप क्या पसंद करोगे ऑर्डर देने में। तो भाई मैं तो सबसे पहले भाई मैं देना पसंद करूंगा हॉट टी। ठीक है, तो बीवरेज कहाँ है बच्चों, देखो बीवरेज हमारा मेन्यू कार्ड में देख लेते हैं कहाँ पर है बीवरेज बच्चों, ये है। और इसमें मैं तो भाई हॉट टी पसंद करूंगा और दूसरा मैं पसंद करूंगा भाई लस्सी। ठीक है, चलिए मेरा तो आंसर ये होगा। अब आप अपना आंसर यहाँ पे जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं इसमें हॉट टी लिखूंगा, हॉट टी और दूसरा है लस्सी। ठीक है, तो मैं ये दो आंसर लिखूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। फूड सोल्ड बाय रेस्टोरेंट विच कैन बी टेकन एंड ईटन समवेयर एल्स। तो इसका आंसर होगा बच्चों होम डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सेवन क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है। शुड वी बाय आउटसाइड फूड दीज डेज, वाई और वाई नॉट, डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। कि भाई हमें बाहर से कोई खाना लेना चाहिए, खरीदना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों, ये अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इसका आंसर हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसका आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हैं। एट दिस टाइम वी शुड नॉट ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज COVID-19 पेंडेमिक डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। ठीक है, कि भाई यहाँ पे COVID-19 की सिचुएशन चल रही है जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रही है। इट इज़ नॉट सेफ फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सो वी शुड ईट होम मेड फूड। तो हमें अपने घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। तो बच्चों आज की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वर्कशीट और वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।